क्या ख्याल है? हमारा इमाम अबू हनीफा के बारे में यह नजरिया नहीं है कि उनकी जबान से निकली हुई हर बात पत्थर पे क्या है, लकीर है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर कोई बात साबित हो जाए कि इमाम हनीफा का यह कौल वाकई कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह की कसम उसको 100 दफा दीवार पर मारेंगे। और उस कुरान और सुन्नत के होते हुए अगर कोई फिर भी इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है और उसको बरक समझता है, हमारा ये फतवा है कि उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने इमाम अबू हनीफा की हैसियत कुरान और हदीस से बढ़ा दी। लेकिन अगली बात यह है कि कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं, इसमें आपकी राय का एतबार नहीं होगा। आपको लग रहा है अपनी कमकली की वजह से, इसमें कोई पकौड़े बेचने वाले का की राय का एतबार, इंजीनियर प्रोफेसर और साइंसदानों की राय का एतबार नहीं होगा, मुश्तहिद की राय का एतबार होगा। बहुत मुश्किल है समझाना। हर आदमी उठ के कह रहा है मेरी राय में ये मान भी कॉल, आपको एक हदीस नजर आ रही है, आप ना आप उलूम हदीस से वाकिफ हैं, हर चीज में तकलीद, फला मुहदिस ने हदीस को सही कह दिया सही, फला ने कह दिया ये रावी मुदल्लिस है, फौरन तदलीस की बेस पर क्या लगा दिया फतवा आपने ज़ईफ। ना तदलीस के आपको दराजात मालूम है, ना आपको यह मालूम है कि हसन हदीस कब होती है, हसन लियाइनी ही कब होती है, हसन लिगैरी कब होती है, सही लियाइनी कब होती है, सही लिगैरी कब होती है, तमाम उलूम से बिल्कुल नावाकिफ। और अगर वाकिफियत है भी तो इसमें भी तकलीद है, जिसने जो लिख दिया उसको क्या कर रहे हैं आप बगैर दलील के फॉलो करते जा रहे हैं, फला ने सही करार दिया। अल्लाह के बंदो, ये हदीस का सही और ज़ईफ करार देना अगर इतना आसान होता तो एक एक रिवायत पर मुहद्दिसीन के रिसाले ना होते, उन रिसालों को आपने पढ़ा नहीं होता, उसमें क्या सुकुम है। एक हदीस थी, मुझे एक दफा तहकीक करनी थी,